बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। स्टोइकोमेट्री जो है ये एक यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करना। नाउ वी विल डिफाइन व्हाट इज स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। स्टोइकोमेट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का मुताला किया जाता है। किसके दरमियान? बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के दरमियान। किस में? इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्री, इसको स्टोइकोमेट्री कहते हैं। यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का मुताला किया जाए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम स्टोइकोमेट्री कहेंगे। फॉर एग्जांपल, व्हेन टू मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड विद वन मोल ऑफ ऑक्सीजन देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टू मोल ऑफ वाटर। यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एक एटॉमिक मास है तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 ग्राम प्लस 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 ग्राम। यानी 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन व्हेन रिएक्टेड विद 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 36 ग्राम ऑफ वाटर। इस पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के मुताबिक मैटर के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्राम वन फॉर्म ऑफ मैटर इन टू अनदर फॉर्म। के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के मुताबिक मैटर को ना क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म ऑफ मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के मुताबिक जितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है क्वान्टिटी उतनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी बननी चाहिए। क्लियर? नाउ इन स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन फॉलोइंग कंडीशंस और अजम्पशंस आर इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी, ये दोनों रिएक्टेंट हैं और एज ए रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट सी बनता है। तो हम अज्यूम करते हैं कि अगर हम 2 ग्राम ए ले लें एंड 3 ग्राम ऑफ बी ले लें तो हमारे पास प्रोडक्ट की कितनी क्वान्टिटी बनेगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के मुताबिक जितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट होंगे उतने ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट शुड बी कन्वर्टेड। ठीक है, अमाउंट जो होते हैं मैटर का उतनी ही कंजर्व रहनी चाहिए। तो इसके लिए हम कौन सी चीज़ें अज्यूम करते हैं? नंबर वन, व्हेन ऑल रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। जब तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कम्प्लीटली तौर पर कन्वर्ट हो जाएंगे तभी प्रोडक्ट जो है वो भी 5 ग्राम ही बनेगा। क्लियर? सेकंड अजम्पशन इज़ रिएक्शन शुड बी इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि जो रिएक्टेंट होंगे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हुआ तो जो 5 ग्राम प्रोडक्ट बना था मे बी वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए कुछ अमाउंट, तो 5 ग्राम प्रोडक्ट में क्वांटिटी नहीं रहेगी और इस तरह स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस प्रॉपरली नहीं हो पाएंगी। थर्ड अजम्पशन इज़ नो साइड प्रोडक्ट शुड बी फॉर्म्ड, यानी साइड प्रोडक्ट जो यहाँ पे जो सी प्रोडक्ट बना है इसके साथ कोई गैस अगर बन जाए और वो खारिज हो जाए तो यहाँ पे 5 ग्राम अमाउंट प्रोडक्ट की नहीं रहेगी, तो इसलिए नो साइड प्रोडक्ट शुड बी अकर होना चाहिए। फोर्थ अजम्पशन इज़ क्लोज सिस्टम, द रिएक्शन शुड बी डन इन अ क्लोज सिस्टम, क्योंकि सिस्टम जब क्लोज होगा जो प्रोडक्ट 5 ग्राम बना है तो वो 5 ग्राम ही रहेगा, क्योंकि क्लोज सिस्टम में ना कोई चीज़ एंटर हो सकती है ना ही कोई चीज़ सिस्टम से बाहर जा सकती है। तो इस तरह जो अमाउंट रिएक्टेंट के 5 ग्राम कन्वर्ट होंगे 5 ग्राम प्रोडक्ट में तो वो उतनी ही अमाउंट कंजर्व रहेंगे। क्लियर? फिफ्थ अजम्पशन इज़ नो लॉस ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगी वो उसका ज़िया नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट को ज़ाया नहीं होना चाहिए। जब प्रोडक्ट का ज़िया नहीं होगा तो वो 5 ग्राम ही उसकी क्वान्टिटी रहेगी।
लास्ट असम्पशन इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शंस और वेट. रिएक्शंस के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर मास एंड लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शन शुड बी ओबेड होने चाहिए, तभी हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस प्रॉपरली डन कर पाएंगे. क्लियर. नाउ वी विल डिस्कस द बैलेंस्ड केमिकल स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप्स. द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिव्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स टू डिटरमाइन क्वांटिटी. एक क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम मास लेते हैं, मोल लेते हैं एंड वॉल्यूम लेते हैं. एक साइड पे रिएक्टेंट्स हमने लिख दिया, दूसरे साइड पे भी हमने यही अमाउंट लिख दिया, मास मोल और वॉल्यूम के टर्म्स लिख दिए हैं प्रोडक्ट. तो जो रिलेशनशिप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से बनेंगी वो मास मास रिलेशनशिप बनेगी, मास मोल रिलेशनशिप बनेगी, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप बनेगी. इस तरह मोल मोल रिलेशनशिप बनेगी, मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप बनेगी एंड लास्ट वन इज वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन भी बनेगी. नाउ वी विल डिस्कस दीज रिलेशनशिप्स वन बाई वन. फर्स्ट वन इज मास मास रिलेशनशिप. इट्स मीन व्हेन वी नो द मास ऑफ रिएक्टेंट देन वी कैन डिटरमाइन द मास ऑफ प्रोडक्ट बाय दिस रिलेशनशिप. सो इफ वी नो द मास ऑफ प्रोडक्ट देन वी कैन डिटरमाइन द मास ऑफ रिएक्टेंट बाय दिस रिलेशनशिप. क्लियर. सेकेंड रिलेशनशिप जो हमारे पास है वो है मास मोल रिलेशनशिप. इफ वी नो द मास ऑफ रिएक्टेंट देन वी कैन डिटरमाइन द मोल ऑफ प्रोडक्ट, आर if we know the mole of product then we can determine the mass of reactant by this relationship with the help of this formula n equal to small m by capital M. clear. third relationship is mass volume relationship. it's mean if we know the mass of reactant then we can determine the volume of product, or if we know the volume of product then we can determine the mass of reactant with this relationship, mass volume relationship, with the help of this formula d equal to small m by capital V. clear. fourth one relationship is mole mole relationship. if we know the mole of reactants then we can determine the number of moles of product, or if we know the mole of product then we can determine the number of moles of reactant. clear. fifth relationship is mole volume relationship. it's mean with the help of this relationship if we know the mole of reactant then we can determine the volume of product, or if we know the volume of product then we can determine the number of moles of reactant with the help of this mole volume relationship. clear. last relationship is volume volume relationship. if we know the volume of reactant then we can determine the volume of product, or if we know the product of volume then we can determine volume of reactant with the help of volume volume relationship. clear. thank you. agar mera lecture pasand aaya to like kijiyega, share kijiyega, subscribe my channel and press bell icon to get new upcoming lectures. allah hafiz.